साडे लई बड़ी माण वाली गल है। संत बाबा अमीर सिंह जी जिहड़ी गुरमत संगीत की परंपरा है उसनू हमेशा ही अगे वधाउण वास्ते यतनशील रहिंदे हन और हमेशा ही अच्छे अच्छे महान गुणी प्रोफेसर विद्वानां नू तुहाडे रूबरू करवांदे रहिंदे हन। साडी गुरु साहिब अगे अरदास भी है कि उन्हां नू चढ़दी कला च बख्शन ते हमेशा ही इस तरह वो यतनशील रहन। और बड़ा अच्छा लग्या जिस तरह इत्थों दे विद्यार्थी भाई बख्शीर सिंह जी ने जिवें गायन किया किन्ने बखूबी ढंग नाल राग नू निभाया और सुन के बड़ा अच्छा लग रहा सी, आनंद आ रहा सी कि भी यंगस्टर्स ने जिहड़े अजकल दे इन्हां नू देख के लगता कि भी हाँ गुरमत संगीत परंपरा जीवित है और जीवित रहेगी। परंपरा का कभी अंत नहीं होंदा, कुछ सरकमस्टांसिस इहो जिहे बन जांदे ने जो उस वल तवज्जो नहीं दित्ती जांदी, पर खास तौर पर जवद्दी कला एक ऐसी टकसाल है जिहड़ी शुरू तो ही गुरमत संगीत परंपरा नू अगे लैके आई है और इस दे यतना नाल मेहनत नाल इस परंपरा च बड़ी बरकत पई है। क्योंकि ये देखा जाए एक तरह का जिहड़ा राग विद्या या राग दी जिहड़ी पंजाब च हालत है वो कुछ ज़्यादा वधिया नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वैसटर्नाइज है, हर चीज़ बदल रही है तो परंपरावां नहीं बदलदियां होंदियां। जिस तरह गुरु साहिबान ने जो सानू साडी चोली विच पाया वो उन्हूं निभाना साडा फर्ज है। तो जवद्दी टकसाल और संत बाबा अमीर सिंह जी इस कारज नूं बड़ी ही बखूबी ढंग नाल निभा रहे ने और मेरे अजीज़ उस्ताद विद्वान लोग जिहड़े तुहानूं रूबरू तुहाडे हों हैगे ने और मैं उन्हां दा भी तहे दिलों शुक्रिया करदा, क्योंकि उन्हां दे सामने भी गायन करना जिहड़ा औखा हो जांदा है। गुरु साहब कृपा करन अज आपां राग जिहड़ा गोंड राग करांगे, बड़ा मधुर राग है और ईजी भी है वो इस करके क्योंकि बिलावल थाट दा राग है। तो मैं कोशिश करांगा कि भी तुहानूं सौखे ढंग नाल ये तुहानूं समझ आ जाए। तो मैं सब तो पहला एक गल ये भी कहना चाहवांगा जिहड़े विद्यार्थी ने या जिहड़े इस लाइन च ने या जिहड़ी संगीत की शिक्षा लै रहे ने वो थोड़ा जिहा ईमानदार होन अपने रियाज प्रति। अगर अच्छा गायन करना है आपां अच्छा गायन दा सुपना देखते हैं पर उहदे प्रति रियाज जिहड़ा साडा नहीं हो पाता, रियाज ना होण करके फिर मन च कई तरह के ख्याल आते हैं कि भी उस तरह असीं गा नहीं पा रहे या गल जी नहीं बन रही। उहदा कारण ही है क्योंकि जो संगीत आप गायन करना है कलैरिटी के नाल अच्छे ढंग नाल मधुरता के नाल उहदे लई प्रैक्टिस तां बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत जिहड़ा वो निर्भर है सत स्वरां ते। अगर सत स्वरां दा रियाज हो जाए सिंपल ने सारे गामा पादा नीसा इन्हां च कलैरिटी आ जाए मेरे हिसाब नाल तुहाडा अद्धा संगीत जिहड़ा वो कंप्लीट है। बस प्रॉब्लम आपां नूं ये आउंदी है कि भी आपां जल्दी करदे हां क्योंकि कुछ जमाना ही इस तरह दा है, मन तन च जल्दी बड़ी है, आपां बहुत जल्दी चल रहे हां तो सोचते हाँ कला भी जल्दी आए तो फटाफट गाइए नहीं। इस ये अंदरूनी जड़ी अंदरूनी आनंद है ना वो टाइम लगता हूँ, वोदा कोई आप जो कही कि एक मिनट से वह फल मिल जाए इस तरह नहीं होंगे। जिस तरह विद्यार्थी जोड़े स्टडी करते हैं मेहनत करते हैं फिर जाके वो एग्जाम लिए अच्छा एग्जाम दे पाते हैं, उसी तरह संगीत है जोड़ा अच्छा गायन लिया वो ताना ने आकार ने ख्याल रूपी ढंग नाल गाना है वो सब रियाज से निर्भर है। तो आप कोशिश करिए जिन्हें भी है, मैं खुद भी कोशिश करदा क्योंकि मैं भी इन्ना कोई नहीं हाँ, मैं भी सीख रहा, मैं भी सिखार्थी हाँ कि रियाज है जड़ा उदे प्रति ईमानदार होइए और जो भी तुहानू सिखाया जा रहा है उन्हूं आप शुद्धता दे नाल और फील करके गाइए। तो आप कोशिश करते हैं थोड़ा जा जड़ा सा सा आप गायन कर दें तीन ढंग नाल वो थोड़ा जा गायन करके फिर मैं बंदी शुरू कराना।
सारे भाई सागर गायन करें खुल के सादा गायन करो जिहड़ी तुहाडी नैचुरल वॉयस है, ना ज़्यादा उच्ची ना ज़्यादा नीवा। सा सारे खुल के गायन करो, सादी आवाज सारे गायन करो। सा इस तो बाद हमने बड़ा सिंपल मैथड है जिहड़ा सा आपां गायन कर रहे, क्योंकि सात स्वर ने। अगर एक एक स्वर नूं आपां तवज्जो दवांगे, उहदे ते ठहराव करांगे, उहनूं सिस्टमैटिकली उहदा रियाज़ करांगे, तो उह डेफिनेटली तुसीं उहदी तुहाडी वॉइस 'च जिहड़ी है मिठास आएगी, स्थिरता आएगी, और जो तुसीं गुरबाणी जिवें गायन करोगे उहदे 'च इक फील आएगा। प्रॉब्लम आउंदी है जदों अपने स्वर कच्चे रह जाण, या आपां अच्छे ढंग नाल, क्योंकि अंदर तो बड़ा कुछ होंदा है, उस स्वरां दा प्रोपर रियाज़ ना होने करके वो अंदर ही रह जाता है। इस करके कोशिश करो जिहड़े सात स्वर ने इन्हां नूं साधना बड़ा जरूरी है। जिहड़ी हमबिंग है, साह दा रियाज़ है, इहदे नाल की है कि भी आवाज़ 'च की है, जिस तरह कईआं दी कंपन आउंदी है, कंपन हो जाती आवाज़ 'च, एकदम स्टेबल हो जाती है। जिहड़ा स्वर कहना चाहते हैं वह एग्जैक्ट उत्थे ही लगता है। इसी स्वर से आप थोड़ा जा वाहिगुरु बोलेंगे। वाहिगुरु जिहड़े चार अक्षर ने, ये बोलने च परावट लियाएंगे। कई बार बोल हल्के रह जाते हैं, आप बोल गायन कर रहे होंगे, उन्हें च पूरा जिहड़ा वजन आना चाहिए वह नहीं आ पाता, ये वो चीज़ हेल्प करेगी। आप वाहे गुरु
सारे गायन करो। तुसी रियाज करोगे या जेडे लोग रियाजी ने वो अपने आप अंदरों फिर अपने आप स्वर जेडे ने वो सजने शुरू हो जाते हैं। वो बोल जेडे ने आप गायन कर रहे हैं उन्हां दी आप सजावट करन दे काबिल हो जाते। रियाज का मतलब यही है। वाहे पर राग शुरू करांगे राग गोंड जो कि बिलावल थाट तो उत्पन्न होया है पैदा होया है। इसका थाट बिलावल है थोड़े को पेपर है उस लिखे हुआ है। अरोह वरोह गायन कर दिया तो एक बार मैं गायन करदा उस तो बाद फिर तुसी गायन करना है। अरोह अवरोह आप एक बार आकार विच गायन कर दें।
करेंगे आप तार दे मोको तार दे
गायन करो सारे। रमा तार रे मोको तारे रमा तार रे रमा तार रमा तार ले शाबाश सारे रमा तार ले रमा तार ले मोको तार तार रे मोको तार रे रामा तार रे सनी दानी पा मा 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 रे गा मा पा रे रे सा सनी दानी पा मा 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 रे गा मा पा रे मोको तार रे रामा तार रे मोको तार रे रामा तार रे मेरे सामने एक सिंपल है काफी समझ लग रही सारे हमें ये जी बंदिश है बारहवीं मात्रा तो इसका उठान है और स्वर मेरे को सिंपल ने सब नु समझ लग गए अगली लाइन मैं अजान जन तर पे ना जान मैं अजान जन तर पे ना जान जान जन तर पे ना जानो जान जन तर पे ना अजान जन तर बे ना जानो जान जन तर बे ना जानो मैं जान जन तर बे ना जानो जान जन तर बे ना जानो अजान जन तर बे ना जानो तर बे ना जानो इसी जड़ी अगली लाइन है बाप बाहां दे बीठला ए जड़ी अपन स्थाई शुरू कीती है मोको तार ले इसी स्वरन से गान करनी है बाप बीठला बाप बीठला बाहां दे
सारे गान करो मोको उनके गान करो रमतारे समझ आई बोल के दसो हम आप अंतरा गायन कर दें रे सा करते
चार निमक में जान जन तर्वेन
बाहा दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।